कैसे जो कमरदीन ने पार्सल लाया है अभी इसके और भी एंगल्स पर आगे तफ्तीश इसमें चल रही है किसका आगे का रूट क्या था सर टोटल इसमें कितने की बात करते हैं आईडी जैसे मैंने बोला है अपनी लेडी का नाम मैंने बोला जैतून का उसके हस्बैंड है और उसके साथ कमरदीन है और दो लड़के और हैं तकरीबन ये पांच लोग हैं जो कि इसमें हम डिटेन करें और इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर लगातार पाकिस्तान ये है कि आप ये देखिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से मुस्तैद हैं जो आईडी का जब इसमें डिफरेंट चैनल मिले इसमें हमको हमारी सिस्टर एजेंसीज हमारी आर्मी हमारी बंदूक बटालियन हमारे 93 ब्रिगेड से भी पूरा बदन मिला क्योंकि हमने इसको स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो किया और जैसे जैसे चेंज जुड़ती गई वैसे वैसे हमने एलएस एक्यूज को हमने इसको अरेस्ट करा है या तब चिंता की बात कह रहे हैं चूंकि इसमें अब ये माने कि आपको पता है कि दुश्मन देश का साजिश हमेशा रहता है कि पीएस को डिस्टर्ब किया जाए वो अपने जो बुरे मंसूबे हैं कोशिश करता है लेकिन फोर्सेस पूरी अलर्ट हैं और कोई भी जो वो कार्रवाई करता है हम उसको पूरी तरह से कामयाब नहीं होने देंगे सर पूंछ पुलिस जब से ये एपिसोड हुआ है इसमें पूरी दिन रात मेहनत हुई है डिफरेंट एजेंसीज ने इवन आर्मी से पूरा सहयोग लिया गया है और हमने यहाँ तक ये आईडी आई है जब से क्रॉस की है वहाँ तक हमने बैकवर्ड चैनल को पूरा ट्रैक कर लिया है और अब इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इवन जो मैंने आपको पार्क के नाम बोले हम उनको भी आगे इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं थैंक यू सर सर्कमस्टांस की इनपुट आई थी कि जो पूंछ में लाई गई थी इनपुट मिलने के बाद जो हमारी सिस्टर एजेंसीज थी वो एक्टिवेट हो गई इसके साथ हमारे सारे ऑफिसर्स हमारे एडिशनल एसपी साहब डीएसपी हेडक्वार्टर साहब डीएसपी प्रियंश साहब उनकी क्यादत में और जो हमारे पास हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट एजेंसीज है बीएसएफ और सीआरपीएफ उसकी डिफरेंट टीम बनाई गई उसको लोकेट करने के लिए और उसको पिन पॉइंट करने के लिए टीम फौरन हरकत में आई और पूरे सिटी को पूरे डिस्ट्रिक्ट को स्कैन किया गया और ड्यूरिंग स्कैनिंग हमारी एक टीम को जो डिफरेंट एजेंसीज की टीम थी एसओजी की थी और इसमें बाकी सिस्टर एजेंसी इन्वॉल्व थी पता चला कि एक लेडी है जो एक हमारा रेड पार्क है वो वहाँ पर है और उसके पास कोई सस्पिशियस सब्सटेंस है वहाँ पर उसको जीरो किया गया और हमारी टीम फौरन वहाँ पर पहुँची उस लेडी को डिटेन करके उस एक्सप्लोजिव टाइप सब्सटेंस को उसके पोजेशन से बरामद किया गया जिसको बीडी स्क्वाड की टीम ने फौरन अपनी तहवील में लाकर प्रॉपर ड्यू प्रोसीजर फॉलो करते हुए उसको डिफ्यूज़ किया आफ्टर डिफ्यूजिंग दैट एडिट उस लेडी को जब क्वेश्चन करा गया इनिशियली उससे डिटेल में क्वेश्चनिंग की गई और ड्यूरिंग सस्टेन्ड इंटरोगेशन उसने बोला कि ये जो उसको एक आईडी टाइप सब्सटेंस था उसको उसके हस्बैंड मोहम्मद आजाद ने दिया था और मोहम्मद आजाद जो है उसके कुछ रिलेटिव उसके मेटरनल अंकल टिक्का खान पाकिस्तान में है और उसकी तहवील से ये उसने लाया था इसके साथ साथ आजाद ने ये भी बोला कि जब उसके कन्फेशन में आया कि ये जो एक्सपो आईडी है ये कमरदीन ने लाया था और उसको दिया था और इसमें इन्वेस्टिगेट किया गया ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सस्टेन्ड इन्वेस्टिगेशन जब इसमें करा गया तो कुछ नाम इसमें और भी आए जिसमें एक वजाहत का नाम आया एक कमरदीन का नाम आया और हमारी पुलिस पार्टीज ने डीएसपी हेडक्वार्टर्स ने एसएचओ पुंछ ने एडिशनल साहब ने इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया कि इसका पूरा चेन ऑफ कमांड लेने के लिए कि ये कहाँ से आई कहाँ तक पहुँची है
और इसमें भी जो अपना उभर के आया कि अयाद ने ये कमर से ली थी, उसमें दो बंदे बीच में और शामिल थे जिसका मैंने आपको नाम बोला, वजाहत और कमलदीन, उन सबको पकड़ा गया है। और इसके साथ साथ चूंकि जब ये वो आगे और इसमें जो कमरदीन है, इसके दो भाई नजार और लतीफ, ये पार हैं और एज पर उनकी इंटरोगेशन में आया जो उन्होंने बात की है, ये वहाँ पर मंग वजीरी कैम्प में हैं और वहाँ पर ये उन कामों में मुलविस हैं जो हिंदुस्तान की सालमियत और हिंदुस्तान को खतरा पैदा करने वाले कामों में इन्वॉल्व हैं। इसको देखते हुए इस FIR में जो हमने FIR नंबर इसमें 202 लगाया था, इसमें UAPA के सेशन को ऐड किया गया और अभी इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन